गाइस अभी हम लोग निकले हैं, हम जा रहे हैं वेलोर, और हम जा रहे हैं वेलोर अपने कार में। सो ये रोड ट्रिप रहेगा और टोटल डिस्टेंस 1100 किलोमीटर्स है जिसको हम दो दिन में कवर करने वाले हैं। एंड ट्रैवल टाइम अप्रॉक्सीमेटली 21 आवर्स ऑफ ड्राइविंग। और आने वाला कुछ वीडियोस में हम लोग साउथ का बहुत सारा प्लेसेस कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम एटलीस्ट ये प्रपोज्ड प्लान है, पांडिचेरी हो गया, रामेश्वरम हो गया, कोदाईकनाल हो गया, एंड ऊटी हो गया, बांदीपुर हो गया। सो ये भी हमारा प्लान है। और फिर आगे बहुत सारा रोड ट्रिप वाला वीडियोस आने वाला है, तो आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए हमारा ट्रिप। और हमारे ट्रिप के साथ आप भी इंजॉय करिए, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं, खाने का क्या ऑप्शंस है रास्ते में, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियोस को लगातार देखिएगा अभी, क्योंकि बैक टू बैक हम वीडियोस आपको देने वाले हैं साउथ का सारा टूर का। सो ऐसे ही बने रहिए। और हम चल चुके, और कितने बजे निकले हैं? हम लोग निकले हैं सुबह तीन बजे। नहीं, आपको लगता है एबी के साइड, आप देखिए आपको दिख रहा होगा ये 3 बजे का तो व्यू नहीं हो सकता है। सो हाँ, हम लोग 5 बजे का प्लान किए थे, बट हमेशा की तरह 1 घंटे लेट हो चुका है। सो 6 बज रहा है 6 बजे हम लोग निकले हैं, और थोड़ा अंधेरा था तो हमने सोचा कि थोड़ा देर से ही मतलब निकले तो ठीक रहेगा, अंधेरा था सुबह। तो अभी हम मतलब रास्ते में आ चुके हैं, अभी देखते हैं कब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं और वहाँ पे फिर आपसे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप पुणे से बैंगलोर के रूट में ट्रैवल करते हो, तो एज लॉन्ग एज आप महाराष्ट्र में हो, आपको खाने का ऑप्शंस बहुत सारा मिलेगा बोथ साइड्स। और जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं वहाँ पे इन लोग ऐड देना शुरू कर देते हैं कि नेक्स्ट 21 किलोमीटर्स में ये आपका बड़ा सा रेस्टोरेंट आने वाला है, 15 किलोमीटर्स, ऐसे ऐसे ट्रैक करते रहते हैं। तो खाने का तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलो गाइस, सो हम फिर से वापस आ गए हैं और हम पहुंच गए हैं कोल्हापुर, जो कि है हमारा ट्रैवल अपडेट। सो हम कोल्हापुर, अब मतलब कोल्हापुर से आगे जा चुके हैं ना, अभी जस्ट कोल्हापुर आया था, कोल्हापुर क्रॉस किए हैं। और कोल्हापुर पहुंचने में अगर सिर्फ ट्रैवल टाइम देखे तो हमको 4.5 आवर्स लगा है, और जिसमें हमने एक जगह 45 मिनट्स का होल्ड किया था ब्रेकफास्ट के लिए। तो और मेन क्या है ना, थोड़ा सा ट्रैफिक भी मुझे लग रहा है देख के, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम रास्ते में चल रहा है तो थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है कहीं कहीं पे, बट अब होपफुली नहीं मिलेगा हमको ट्रैफिक। तो अब यहाँ से बेलगाम जो है वो 100 किलोमीटर है, अभी भी ये 4 लेन ही चल रहा है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है, बिकॉज ट्रक सब कुछ चालू है अभी, तो थोड़ा स्लो चल रहा है। नॉर्मल जो आप 80-90 के स्पीड में चलाते हो वो अभी नहीं हो पा रहा है। स्पेशली जब हम लोग कराट पहुंच रहे थे तो बहुत ट्रैफिक था, अभी कोल्हापुर में भी वही हाल है। आपको मैं अपडेट देती हूं उधर का, देखो आप देख पा रहे हो अभी ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये पूरे रास्ते में मिला है हमको। और ये ट्रक ड्राइवर साहब लोग तो इनका तो मतलब कहना ही नहीं है,
डे वन का हमारा प्लान है कि हम चित्रदुर्गा जाके रुकने वाले हैं। वहाँ हमने होटल बुकिंग भी कर लिया है और यहाँ से चित्रदुर्गा इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 hours किलोमीटर्स में। सो अगर हम लोग ऐसे ही मतलब विदाउट हॉल्ट अगर पहुँचते हैं तो हम 6:30 तक पहुँच जाएंगे, बट ऑफकोर्स हम लंच भी करेंगे और इवनिंग स्नैक्स के लिए भी, तो होपिंग कि हम 7:30 तक चित्रदुर्गा पहुँच जाएंगे। अब आपसे मिलते हैं जब हम लंच के लिए रुकेंगे वहाँ पे। वैसे काफी ऑप्शन है रास्ते भर, हमको बहुत सारा रेस्टोरेंट बहुत सारा ढाबा मिल रहा है, तो हर जगह ही ऑप्शन है खाने पीने का, तो वैसा कुछ सोचना नहीं है। बट फिर भी हमने कुछ कुछ तो रखा है अपने पास स्नैक्स आइटम, आलू प्याज और गैस स्टोव और सब कुछ ले लिया है और प्रेशर कुकर पैन सब कुछ लेके रखा है, मैगी भी, कोई भी ढाबा नहीं था, कोई भी ढाबा नहीं था, तो वहाँ पे और वहाँ पे मुझे बहुत तेज भूख लग गया था, तो वो एक्सपीरियंस जो हुआ हमको उसके बाद से हमको लगा कि ठीक है चलो भाई हमारे पास आउटडोर स्टोव है तो वो हम यूज कर सकते हैं अगर ऐसा सिचुएशन आया तो, और वो एक तरह का पिकनिक भी हो सकता है हमारा, तो इसलिए मैंने सब कुछ ले लिया है और देखते हैं, जरूरत नहीं पड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो हमारे पास है ही, और नहीं भी पड़ेगा तो भी हम जानबूझ के रोकेंगे और मैगी बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है चलो फिर हम मिलते हैं लंच टाइम में। और लंच करने के लिए हमने चूज़ किया था नवतारा रिज़ॉर्ट, और ऐसा ये कोई प्री प्लान नहीं था, बट ये बेलगांव वाले जो रास्ता है वहाँ पे ये रिज़ॉर्ट था और हमें देख के मतलब अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन लगा, स्पेशियस लगा, तो इसलिए हमने डिसाइड किया यहाँ पे लंच करने का। और ऑफकोर्स हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था बिकॉज जो मेन्यू ऑप्शंस थे वो भी बहुत अच्छा था, प्राइस रीजनेबल था, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव और ऑन द हायर साइड नहीं था, एंड अगेन फूड का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो अगर आप भी कभी पुणे बैंगलोर रूट में ट्रैवल कर रहे हो तो आप नवतारा रिजॉर्ट बेलगांव को प्रेफर कर सकते हो। हे गाइस, सो आरपी का नींद खुल गया है और देख लो वो क्या कर रही है। आरपी कितने में मिला? 50 रुपए में एक बंडल, और एक बंडल अकॉर्डिंग टू देम आधा किलो है, बट आधा किलो तो था नहीं ना शायद। और यहाँ थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो रहा था तो वो जबरदस्ती एक किलो चिपका रहा था, बट आरपी तो आरपी है, उसने गुस्से से बोला नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, फिर जाके वो भाई को समझ में आया, बोला कि अगर आप जबरदस्ती करोगे ना तो ये भी वापस रख लो। हाँ। तो फिर फाइनली अब आरपी आराम से एक घंटा और निकाल देगी और हमको एक घंटा और है और फिर हम अपना चित्रदुर्गा में जो होटल है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो चलिए अब होटल पहुँचते हैं और फिर आपको होटल दिखाते हैं एंड आपसे बात करते हैं।
चित्रदुर्गा, और ये वहाँ पे हमारा रूम नंबर है 301। सो आइए हम आपको रूम टूर कराते हैं। तो ये है हमारा रूम, आप देख सकते हैं बेड, बहुत कोजी सा बेड लग रहा है देख के तो, और मिरर भी बड़ा सा मिरर लगा हुआ है वहाँ पर, और कबर्ड भी दिया हुआ है इनके रखने के लिए, कबर्ड है और ड्रॉअर भी दिया हुआ है, इस साइड टीवी है और कॉफ़ी के लिए केटल भी दिया है और बाकी सारी चीज़ भी है, और जो ये व्यू है विंडो का व्यू, सो ये सिटी फेसिंग नहीं है, ये एक्चुअली पीछे बैक का बैक साइड है ये। सो सुबह में ज़्यादा पता चलेगा, अभी तो रात में उतना दिख नहीं रहा। और अब आपको मैं वॉशरूम भी अच्छा है ये, क्लीन है, क्लीन एंड क्लियर। और सबसे जरूरी चीज क्या है, जो ये फैन है ना वो मोशन सेंसर है। तो मैं यहाँ पे खड़ी होके बस यही कर रही हूँ। अभी देखो स्टार्ट हुआ, अभी इसको मैं बंद करूँगी, ये बंद हो गया, फिर से स्टार्ट करना, स्टार्ट हो गया। और ऐसे ही सेम हमारा ये वाला भी है, ये जो लाइट का एक्सेस है वो भी वैसे ही है, ठीक है ये है। और ऑल आउट हमने लाया है, बट यहाँ पे ऑल आउट ऑलरेडी है, और मिरर काफ़ी बड़ा है, मैं पूरा मतलब पूरा ही दिख जाऊँगी मिरर में। तो अब हम चलते हैं अपना सामान लाने के लिए, जो भी हमको यहाँ पे रुकने के लिए चाहिए, कुछ सामान ही चाहिए तो वो ही हम लाने वाले हैं, और उसके बाद कल सुबह आराम से उठेंगे, क्योंकि अभी 6:49 हो रहा है, हम लोग 6:30 यहाँ पे पहुँचे हैं। थोड़ा आज हुआ है हेक्टिक, बहुत लंबा जर्नी था, बट होपफुली कल इतना ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। सो चलिए सामान लेने चलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज डे 2 है और हम रेडी हो गए, हम चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से, सारा सामान पैक हो गया है, और अभी सबसे पहले तो हमको ब्रेकफास्ट का ऑप्शंस देखना है। अभी 8 बज गया है तो अभी बहुत ज़्यादा रश नहीं है, हम 6 6.5 आवर्स में वेलोर पहुंच जाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट का ऑप्शंस देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। चलिए, सो होटल जो है वो नो डाउट बहुत अच्छा है, और इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, इसका प्राइस कितना लगा अपना कार में बैठ के, और बाहर से भी इसका व्यू दिखाते हैं आपको होटल का। और यहाँ पे भी बहुत सारा जो होटल्स है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो अभी जब हम सर्च कर रहे थे तो हमें सिर्फ 3 दिखा था, बट अभी और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उस तरफ हमारा कार लगा, आप देख सकते हो, और माउंटेन व्यू, विंड मिल्स, इसके बीच में आप रहोगे, तो स्पेस भी बहुत अच्छा है। लिफ्ट आ गया, सो हमने चित्रदुर्गा में ये होटल प्रेफर किया बिकॉज एक तो हमने प्लान किया था डे 1 में हम लोग मोर देन हाफ जो किलोमीटर्स है वो कवर कर लेना चाहते थे, ताकि डे 2 के लिए ट्रैवल बहुत कम रहे, एंड सेकेंडली ये होटल जो है वो हाईवे से सिर्फ 3 किलोमीटर्स था, तो हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा सिटी के अंदर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ईजिली हम लोग हाईवे से बस एक राइट टर्न था और ये स्ट्रेट में आपको ये होटल मिल जाता है। यहाँ का जो कॉस्ट था वो था 2200 रुपीज़ फॉर द नाइट, जो हमें थोड़ा एक्सपेंसिव लगा कंपेयर टू द लोकेशन, बट अगेन होटल बहुत अच्छा था, रूम अच्छा था, तो ठीक है एक दिन के लिए मैनेज करना था तो हमने ये अकोमोडेशन प्रेफर किया। सो पीछे वाला जो पार्किंग स्पेस है वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है जहां हमने अपना कार पार्क किया है, ये पूरा स्पेस यहां पे पार्किंग का हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस धतूरा फला हुआ है, और जो हमें शिवरात्रि में 100 रुपीज़ का एक मिलता है यहाँ पे ऐसे ही उगा हुआ है।
और होटल से निकलते ही जैसे हमने हाईवे को टच किया, वहाँ लेफ्ट साइड में हमें ये बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट मिला और प्योर वेज रेस्टोरेंट था, नीट एंड क्लीन, जो हम हमेशा प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग आर ट्रैवल, और पार्किंग स्पेस भी था। और यहाँ का फूड ऑप्शंस मेनली आपका साउथ इंडियन फूड्स था, बिकॉज हम ब्रेकफास्ट के टाइम पहुँचे थे, एंड हाँ ब्रेकफास्ट भी मतलब बहुत अच्छा था। तो आप भी ये रेस्टोरेंट को प्रेफर कर सकते हो ड्यूरिंग योर ट्रैवल। आ गया है, हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया था, तो एबी का नहीं और चटनी आएगा क्योंकि वो सांभर नहीं खाता। और ये देखो हमें कौन मिला, साथ ही आप व्यू देख सकते हो हर जगह, आपको कोकोनट
का पेड़ मिलेगा पूरे रास्ते, और बहुत सारे फ्लावर्स के भी आपको गार्डन बहुत अच्छा, मतलब वो रहता है ना, खेती करते हैं लोग। और विंड मिल तो एकदम हर जगह था, हर जगह ही है, तो बहुत ही सुंदर व्यू है। और बीच बीच में साउथ का जो टेंपल स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा आपको साउथ का टेंपल मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा है। और बाकी तो रोड है ही, जो है रोड का भी, रोड का आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, साइड में फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो यही है, अब हम लोग बैंगलोर पहुंच के उसके बाद वहां से बैंगलोर के लिए सिटी ना घुस के हम लोग स्ट्रेट हाईवे से ही निकलेंगे वेलोर के लिए, जो कि अराउंड 3 hours है ना बैंगलोर से। हाँ, 3 घंटा है। और ये फर्स्ट टाइम है कि हम 1100 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हैं विदाउट मैप, तो मैप का हमें जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बार आए लेकिन तुमको रोड याद हो गए। ठीक है गाइस, फिर बैंगलोर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर से बात करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग कैसे पता चला, जब हमने ट्रैफिक देखा, ट्रैफिक आपको पता होगा बैंगलोर का ट्रैफिक तो अलग ही है, अलग ही लेवल का है। सो, हमने बिना मैप देखे ये पता कर लिया कि हम बैंगलोर एंटर कर चुके हैं, और फिर बाद में हमने मैप देखा और पता चला कि हाँ हम बैंगलोर आ चुके हैं। रोड में जैसे ही हमने देखा कि हाँ लोग एकदम हड़बड़ी में है, मुझे पहले जाना है, मतलब आप समझ जाओ कि आप बैंगलोर आ चुके हैं। बैंगलोर में आने के बाद हम लोग काफी कुछ ऐसे याद आ रहा है, क्योंकि हम इसी के पास रहते थे ना, ये एरिया से ही। आपको मैं दिखाती हूँ। सो ये देखिए, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये शायद ना व्हाइट फील्ड वाला एरिया है, हम लोग इसी साइड रहते थे। आपको वो सोसाइटी भी दिख रहा होगा, ये जो सोसाइटी है प्रेस्टीज का है, शायद प्रेस्टीज ग्रुप का है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग तमिलनाडु एंटर कर गए हैं, और यहाँ एंटर करते ही आप देख सकते हो लाइन से पीछे भी बहुत सारा गया पटाखा का दुकान, बिकॉज मैक्सिमम जो पटाखा का ब्रांड्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग यही होता है तमिलनाडु में। और अभी दिवाली का टाइम है तो बहुत ज्यादा स्टॉल्स लगा हुआ है। और आरपीसी का वेट कर रही थी, बनाना लीफ का, फाइनली आ गया। हमें बहुत
टाइम से, मतलब मुझे बहुत मन कर रहा था कि यहाँ पे आके मैं थोड़ा केरला स्टाइल खाना खाऊँ। तो केरला स्टाइल खाना नहीं है, खाना तो हमने नॉर्मली मंगाया है बिरयानी एंड फिश, नेटली फिश। फिश फ्राई मंगवाया, कौन सा फिश है? नेटली फिश, नेटली सार्डिन्स जैसे होता है, सार्डिन्स जैसा है। तो वो फिश फ्राई मंगवाया है और बिरयानी मंगाया है, तो देखते हैं खाना कैसा है। भैया तो बोल रहे कि बहुत टेस्टी है यहाँ का चिकन बिरयानी, कोई भी बिरयानी। तो हमने बिरयानी ही ऑर्डर किया है और वो हम खाने वाले हैं ये बनाना लीफ पे, जो उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देगा मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो देखते हैं खाना आने के बाद पता चलेगा। तक 1140 किलोमीटर कवर कर लिया और 4 किलोमीटर और, सो 1144 किलोमीटर का टोटल जर्नी हमारा जो अभी एंड होने वाला है। सो फाइनली हम बहुत अच्छे से पहुंच गए, बहुत अच्छा जर्नी रहा हमारा। और अब वेलोर का जो ये व्लॉग है, पुणे टू वेलोर का, वो हम कंप्लीट करेंगे। बट हम एक बार पहले होटल में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद ये व्लॉग का एंड करने वाले हैं। बिकॉज अभी हमें टोटल जो कॉस्ट कितना लगा, फर्स्ट होटल का कितना, ये वाले होटल का कितना, वो सारा डिटेल्स आपके संग शेयर करना है। हाँ। तो वीडियो पूरा देखना, अभी हम थोड़ी देर में आपसे कनेक्ट करते हैं होटल पहुँच के। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा पुणे टू वेलोर का रोड ट्रिप व्लॉग यहीं खत्म होता है। अब बात कर लेते हैं हमारा टोल एक्सपेंसेस, जो कि लगा था डे वन में 1015 रुपये और डे टू में 835 रुपीज़, 835 रुपया। सो टोटल जो टोल के पीछे खर्चा गया था वो था 1850 रुपया, 1850। और जिस होटल में हम रुके थे इन वेलोर, होटल सेंथुर, वहाँ का डेली कॉस्ट था 1400 रुपीज़। और आने वाले वीडियोस में हम इस होटल का भी सारा डिटेल्स आपके संग शेयर करेंगे। एंड फाइनली पेट्रोल प्राइसेस का अगर बात करें, तो हमारा दो दिन में 1150 किलोमीटर्स कवर करने में 6000 रुपीज़ मैक्सिमम जो हमारा खर्चा हुआ था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।